हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर देखेंगे व्यापम की जेल पेरी और संविदा शिक्षक भर्ती की एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 34 देखेंगे। जी हां दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 33 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज फिर आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अगर आप व्यापम की किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे ही वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए। आप हमें अनअकैडमी पर जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप हमें सचिन सिलावट नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैंने रिसेंटली एमपी के लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और व्यापम के लिए हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया और हिंदी और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को डिस्कशन किया। जिन सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है। आपसे पूछा गया है कि रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीन राज्यों में है। रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र जो कहां कहां पर है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी। आपसे पूछा गया है कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो विंध्य श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कौन सी, हो जाएगी गुडविल चोटी। मतलब आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन व्यापम की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी तो गुडविल, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी धूपगढ़। कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ क्या है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर है, महादेव पर्वत पर स्थित है। कई बार ये भी पूछा था कि कहां पर स्थित है, तो महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुडविल चोटी। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इसरो का व्यापक रूप है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसरो का व्यापक रूप क्या है, तो इसरो का जो व्यापक रूप है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब ये आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया, कई बार इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है या कई बार इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी या इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो इसरो की सबसे पहले तो मैं आपको स्थापना बता देता हूँ कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। अब यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कई बार एग्जाम में इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो मुख्यालय है इसरो का वो है बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में, और इसका फुल फॉर्म जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस खेल के साथ पीवी सिंधु जुड़ी हुई है। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि जो पीवी सिंधु जो है वो किस खेल के साथ जुड़ी हुई है, तो पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, कि जो पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। और इन्होंने 2016 में ओलंपिक में क्या करा था, पदक जीता था, ये भी याद रखिएगा आप। 2016 ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, पदक जीता था। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है, तो बैडमिंटन से, और 2016 में इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुपम क्या है। आपसे पूछा गया है कि अनुपम जो है वो क्या है, तो अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है दोस्तों, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। और इसे किसने बनाया था, यह भी पूछा जाता है कि अनुपम जो सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण किसने किया था, कई बार ये भी पूछ लिया था। तो इसका निर्माण जो किया था वो क्या था, बार्क ने किया था। किसने किया था, बार्क ने, BARC, बार्क ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। अब ये जो बार्क जो टर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है, आप ये भी याद रखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और ये जो अनुपम जो है इसका निर्माण बार्क ने ही किया था, जो कि क्या है, सुपर कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरिहर और बुक्का ने किस भारतीय राज्य की स्थापना की थी। आपसे पूछा गया है कि हरिहर और बुक्का ने किस भारतीय राज्य की स्थापना की थी, तो ये इन्होंने की थी विजयनगर की स्थापना की थी। अब ये यहाँ पर आया है क्वेश्चंस की जो हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर की स्थापना की थी, तो कई बार आपसे सन पूछ लिया था कि किस सन में इसकी स्थापना की थी, तो 1336 में इसकी स्थापना की गई थी।
और इसकी राजधानी भी आपसे पूछ ली जाती है कि विजयनगर की जो राजधानी उस समय में क्या थी, तो हम्पी थी। क्या राजधानी थी इसकी? हम्पी इसकी राजधानी थी। आप ये याद रखिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ये जो विजयनगर है, कई बार ये पूछ लिया था कि विजयनगर जो है किस नदी के किनारे है, तो आप ये भी याद रखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे है विजयनगर। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर आपके एक ही क्वेश्चन कितने सारे पॉइंट बता दिए। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि विजयनगर की जो स्थापना की थी वो हरिहर बुक्का ने की थी, दो भाइयों ने की थी। कब की थी? तो 1336 में की थी। विजयनगर की जो राजधानी उस समय थी वो थी क्या? हम्पी राजधानी थी। और विजयनगर जो है किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंबल सिंध बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती है। सबसे पहले तो चंबल सिंध बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती है और किस नदी से मिलती है? तो ये जो है यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। और ये जो यमुना नदी जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो आप ये भी याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि चंबल सिंध बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती है और कहां पर मिल जाती है? यमुना नदी में। और यमुना नदी जो होती है वो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंदिरों के बटेश्वर समूह किसमें स्थित है? आपसे पूछा गया है कि मंदिरों के बटेश्वर समूह जो है वो किसमें स्थित है? तो ये स्थित है मुरैना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? मुरैना में। और ये जो उज्जैन जो है, उज्जैन जिला जो है, यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है? तो उज्जैन में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमरकंटक किस महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है? मतलब अमरकंटक जो है वो महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। तो अमरकंटक से जो है टोटल तीन महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। आप ये याद रखिएगा कि अमरकंटक से जो है टोटल कितनी नदियां निकलती है? तीन नदियां, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूं। नर्मदा हो गई, सोन नदी हो गई और जोहिला नदी हो गई। कौन कौन सी हो गई मैं लिख भी देता हूं आपके सामने। नर्मदा नदी हो गई, उसके बाद सोन नदी हो गई और जोहिला। ये तीन नदियां कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अब ये जो अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर में है। कहां पर है अमरकंटक? कहां पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, जहां से तीन नदियां निकलती है। एक तो नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है और जोहिला नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो कभी बार एग्जाम पूछा था कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केरल राज्य किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा गया है कि केरल राज्य जो है वो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है वो कथकली, कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है केरल में ही ओणम भी त्योहार मनाया जाता है। ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में, क्योंकि बहुत बार पूछा था कि ओणम जो है वो किस राज्य का त्योहार है, तो केरल का है। और केरल का जो नृत्य है वो क्या है? कथकली है। तो आप ये याद रखिए। अब ये यहाँ पर जो कथक आया है, कथक शब्द, ये जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली और कथक दोनों में अंतर है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, कथकली जो है केरल का है। और ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और एक यहाँ पर जो है डांडिया, कौन सा वर्ड आया है? डांडिया। ये जो डांडिया जो है ना, ये गुजरात का लोक नृत्य। कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य जो है वो डांडिया है। तो आप ये सारे ही पॉइंट याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि केरल राज्य किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है कथकली। उसके बाद जो है ओणम जो है त्योहार वो केरल राज्य में मनाया जाता है। डांडिया जो है नृत्य वो गुजरात से संबंधित है और कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में, क्या पूछा है कि भारत में श्रम दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रम दिवस जो है किस दिनांक को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है? मतलब आपसे पूछा गया है कि किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, तो इंदौर को जाना जाता है। मिनी मुंबई के नाम से किसको जाना जाता है? इंदौर को। अब ये यहाँ पर जो बेंगलुरु आया है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि बेंगलोर जो है भारत की सिलिकॉन वैली है। क्या है? बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली है। तो ये याद रखिएगा कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है या किस शहर को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु को कहा जाता है ये। तो आप ये याद रखिएगा। और मिनी मुंबई किसको कहा जाता है?
इंदौर को कहा जाता है। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा दीजिए, पास में एक घंटे का आइकन दिया उसे भी प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप व्यापम की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैंने लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। वहां पर मैंने हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप उन सारे लेसन को देख सकते हो और आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।